हेलो फटेटो, अगर आप भी दुबलेपन से परेशान हैं और ठीक ठाक शरीर चाहते हैं, तो यह वीडियो हमने आपके लिए ही बनाया है जिसमें आप जानेंगे अंडरवेट से फिट हो जाने के हेल्दी तरीके के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंडरवेट की परिभाषा, क्या होता है अंडरवेट, कोई क्यों होता है अंडरवेट, कब करें आप वजन की चिंता, वजन बढ़ाने में जिम और प्रोटीन सप्लीमेंट कितने मददगार हो सकते हैं, टीवी विज्ञापनों पर आप कितना यकीन करें, नेचुरल प्रोटीन से बेहतर क्या है, बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, योग और एक्सरसाइज कितनी मददगार साबित हो सकती हैं, और अंडरवेट से संबंधित कुछ भ्रम और तथ्य। दरअसल बहुत सारे लोग जो अंडरवेट होते हैं, ताबड़तोड़ प्रोटीन सप्लीमेंट और वजन बढ़ाने की दवाइयां व कई घंटे जिम में बिताने शुरू कर देते हैं, पर इतना करने भर से आप फिट नहीं हो सकते, शायद आप हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएं। फिट होने के लिए कई तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर BMI के पैरामीटर पे अंडरवेट की क्या होती है परिभाषा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि कौन अंडरवेट है और कौन नहीं, BMI एक बेहतर विकल्प हो सकता है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स हाइट वेट रेशियो है, इसे फिटनेस के पैमाने के तौर पर देखा जाता है। हालांकि यह फिट होने का अकेला पैमाना नहीं है, हो सकता है कोई इंसान BMI के पैमाने पर फिट हो फिर भी वह फिट ना हो। किसी का वजन इस वजह से भी कम हो सकता है कि उसकी बोन डेंसिटी कम है, ऐसे में BMI ही केवल अंडरवेट होने का पैमाना नहीं हो सकता। तो आखिर अंडरवेट क्या होता है, आइए अब इस पर बात करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार किसी के अंडरवेट होने का निर्णय अक्सर दो बातों को देखकर लिया जाता है। पहला कि इंसान एक्टिव है या नहीं, अगर वह एक्टिव है और अपने सभी काम सही ढंग से कर रहा है, भले ही उसका वेट BMI के अनुसार नॉर्मल से कम ही क्यों ना हो, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, ऐसे में उसे अंडरवेट इन हेल्दी कंडीशन कह सकते हैं। इसका दूसरा पैमाना है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। किसी के अंडरवेट होने में कुछ बीमारियां भी कारण बन सकती हैं, मसलन एनीमिया जिसमें खून की कमी हो जाती है, जो विटामिन्स आयरन की कमी या पेट के कीड़ों की वजह से भी हो सकती है, TB, हार्मोनल डिसऑर्डर की भी डॉक्टर जांच करते हैं। अगर ऐसा है तो पहले इनका इलाज किया जाता है, और अगर ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, तो फिर इंसान क्यों होता है अंडरवेट, आइए अब हम आपको बताते हैं। अमूमन कई वजहों से इंसान अंडरवेट हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशन का कम लेना या बैलेंस डाइट ना लेना, बढ़ती उम्र में खान पान का ध्यान ना दिया जाना, फिजिकल वर्क के हिसाब से डाइट या कैलोरी नहीं ले रहे हैं, किसी खास जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से आप अंडरवेट हैं, किसी खास तरह की बीमारी से ग्रसित या हार्मोनल डिसऑर्डर का होना। ज्यादातर में खून की कमी यानी एनीमिया, TB या पेट में कीड़े होने की वजह से वजन कम होना पाया जाता है। तो आपको वजन की चिंता कब करनी चाहिए, यह प्रश्न अक्सर हमारे दिमाग में आता है। तो डॉक्टरों के अनुसार अगर कोई लड़का जिसकी उम्र 18 साल है तो उसका वजन 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए, वहीं लड़कियों के लिए यह सीमा 45 किलो है। अगर वजन इससे कम है तो यह चिंता की बात हो सकती है, ऐसे में आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर जांच कर सकें कि वजन कम होने का कारण क्या है। जरूरी नहीं कि जो अंडरवेट है वह हेल्दी ना हो, अगर कमजोरी महसूस नहीं होती, वजन लगातार कम नहीं हो रहा है, तेजी से चलने पर सांस नहीं फूलती, आपका BP, पल्स रेट सब कुछ नॉर्मल है, तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अंडरवेट हैं और ये परेशानियां भी हैं, तो आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। और अब आइए बात करते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए जिम कितना मददगार है। आजकल अंडरवेट लोग सबसे पहले डॉक्टर की जगह जिम का सहारा लेते हैं। अगर बॉडी बनाना है तो आप जिम जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जिम जाए बिना हेल्दी और फिट नहीं रहा जा सकता। रोज घर पर वर्कआउट या योगा अभ्यास करके भी हेल्दी रह सकते हैं, घर के आसपास के पार्क में भी जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिम जाने से एक फायदा जरूर होता है, आपका रूटीन फिक्स हो जाता है, साथ ही एक्सरसाइज का सही तरीका जानने के लिए जिम इंस्ट्रक्टर की भी मदद आपको मिल जाती है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न कि प्रोटीन सप्लीमेंट
अंडरवेट लोगों के लिए कितने जरूरी हैं? दरअसल आजकल हर युवा बॉडी बनाने की चाहत रखता है, बस दिक्कत है शॉर्टकट या कम वक्त में ही हैंडसम और स्मार्ट दिखने की चाहत में किसी भी हद तक जाना। ऐसे में जिम ज्वाइन करने के साथ ही प्रोटीन सप्लीमेंट और स्टेरॉयड लेना लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि यह शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। स्टेरॉयड और अधिक प्रोटीन से ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी के कमजोर होने की समस्या हो सकती है। ऐसे किसी भी कदम से पहले आप डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना हो तो नेचुरल प्रोटीन आपको लेना चाहिए। अगर सप्लीमेंट लेना हो तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह पर ही ब्रांडेड कंपनियों के आप प्रोटीन ले सकते हैं। जिम के अतिरिक्त कई सारे टीवी विज्ञापन भी हमें मोटा होने के लिए दिखाई पड़ते हैं, तो टीवी विज्ञापनों पर आप कितना यकीन करें, आइए इस बात की भी पड़ताल करते हैं। दरअसल टीवी पर ऐसे तमाम प्रोडक्ट रोज दिखाई देते हैं जो चंद दिनों में ही वजन बढ़ाने का दावा करते हैं। कभी भी सिर्फ टीवी विज्ञापन देखकर प्रोडक्ट ना खरीदें। नियमों के हिसाब से ऐसे विज्ञापन दिखाए ही नहीं जाने चाहिए जिनमें किसी को दुबला या हेल्दी बनाने का 100% दावा किया गया हो। टीवी पर दिखाए गए नुस्खों के दम पर ही अगर कोई फिट हो सकता तो जिम और डाइटिशियन की जरूरत बिल्कुल ही ना होती और लोगों को डॉक्टर से कोई सलाह न लेनी पड़ती। मान लीजिए कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आपका वजन कम है तो टीवी विज्ञापन कितना आपकी मदद कर सकते हैं यह आप स्वयं विचार करके ही जान सकते हैं। और अक्सर हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो क्या नेचुरल प्रोटीन से बेहतर है और नेचुरल प्रोटीन का बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, इस बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आर्टिफिशियल प्रोटीन की तुलना में नेचुरल प्रोटीन हमेशा ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी को अपना वजन बढ़ाना है तो वह खाने में कुछ खास चीजों पर फोकस करे। मसलन दाल, सोयाबीन, अंडा, मछली, पनीर आदि आप ले सकते हैं जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल, रोटी सबसे बेहतरीन विकल्प है। तो हम में से अक्सर ये लोग कहते हैं कि मैं अंडरवेट हूं और मैं ये सारी चीजें खाता हूं। तो आपको अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बैलेंस डाइट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि बैलेंस डाइट क्यों है आपके लिए जरूरी। दरअसल डाइट आपकी फिजिकल एक्टिविटी और जरूरत पर ही निर्भर करती है। अगर वजन बढ़ाना है तो 2000 से 2400 कैलोरी रोज तक आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी डाइट प्लान करें वह किसी अच्छे डाइटिशियन की मदद से ही करें। दरअसल हम अपने खाने को 7 फूड ग्रुप में बांट सकते हैं जिन्हें हर दिन खाए जाने की जरूरत होती है और पूरे दिन यानी 24 घंटे में कितनी कैलोरी लेनी है इसे भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले दूध जो फुल क्रीम वाला है उसके 750 ml में 250 कैलोरी होती है। मछली, मीट, चिकन या अंडे में 35 से 40 ग्राम या 2 अंडे में 140 कैलोरी तक होती है। पनीर के 35 से 40 ग्राम में 100 कैलोरी होती है। चावल या 10 रोटी में 850 कैलोरी होती है। दाल जिसमें अरहर, चना, मूंग, मसूर 2 कटोरी मात्रा में 175 कैलोरी होती है और फलों में सेब और संतरे में 280 कैलोरी तक होती है। फैट जिसमें तेल और घी भी शामिल है 5 से 6 चम्मच में 250 कैलोरी तक होती है। शुगर के 5 से 6 छोटे चम्मच में 120 कैलोरी तक होती है। इतना सब खाने के बाद आपके शरीर में तकरीबन 2000 कैलोरी आसानी से पहुंच जाएगी जो हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी। और अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप उतनी ही मात्रा में दही खा सकते हैं, वही नॉन वेज की जगह आप पनीर भी ले सकते हैं। वजन बढ़ाना है और फिट रहना है तो आपको बैलेंस डाइट बहुत ही आवश्यक है जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहें, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और आइए अब बात करते हैं योग और एक्सरसाइज कितनी मददगार हो सकती हैं आपके वजन बढ़ाने के लिए। योग और एक्सरसाइज से मदद आपको बहुत मिलती है। वजन बढ़ाने के लिहाज से हम कुछ आसन आपको बता रहे हैं जिन्हें आप करें तो आपको फायदा जरूर होगा। उनमें से सबसे पहला आसन है कपालभाति। इसके अतिरिक्त उत्तान प्रदान कर सकते हैं, कटिचक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, मंडूकासन, अर्धमत्रेन्द्रासन, इन सभी आसनों को 2 से 3 बार करना चाहिए और गर्दन की सूक्ष्म क्रिया 8 से 10 बार और अनुलोम विलोम 5 मिनट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप एक्सरसाइज का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे तो अंडरवेट लोगों को तगड़ी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती, पर जब आप कैलोरी अधिक ले रहे हैं तो इसका बॉडी में सही डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है ताकि शरीर शेप में रहे
शरीर को शेप में रखने के लिए एक्सरसाइज ही काम आती है। इसके लिए सबसे पहले आपको वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत आप वॉकिंग से करें। पहले हफ्ते अगर तेज चलने में परेशानी हो रही है तो केवल वॉकिंग करें। हर दिन 20 से 30 मिनट तक की वॉकिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे जॉगिंग में बदल दें, यानी अपने चलने की गति को बढ़ा दें। इसके बाद आप रनिंग भी कर सकते हैं। ऐसा आप पार्क या जिम कहीं भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको साइकिलिंग करनी चाहिए। साइकिलिंग बॉडी को शेप में रखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप शुरुआत में हर दिन 15 से 20 मिनट तक साइकिलिंग कर सकते हैं। चाहे तो रोजमर्रा का काम भी आप साइकिल के जरिए ही निपटाने का रूटीन बना सकते हैं। और तीसरी चीज आप कर सकते हैं, वो है स्विमिंग। अगर स्विमिंग की सुविधा उपलब्ध है तो पूरे शरीर के लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई और दूसरी नहीं हो सकती। शुरुआत में 5 से 10 मिनट की स्विमिंग काफी है और बाद में इंस्ट्रक्टर की मदद से आप अपना समय भी बढ़ा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं दुबलेपन से संबंधित कुछ भ्रम और तथ्यों के बारे में। तो अगर आप दुबले हैं तो सबसे पहला भ्रम अक्सर लोगों में होता है कि एक्सरसाइज करने से तो वजन और कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज जरूर करें। इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो आपके हार्ट और ब्रेन को मजबूत बनाता है। दरअसल एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में फैट डिस्ट्रीब्यूशन सही रहता है, इससे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल कम जमा होता है। वहीं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे हाई बीपी जैसी दिल से जुड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और आइए अब बात करते हैं दूसरे भ्रम के बारे में कि केवल फैट ही खाना चाहिए, बाकी चीजों को भूल जाना चाहिए, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। केवल फैट खाने से आपका वजन भले ही बढ़ जाए, लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी हो सकती है। इसलिए इस बात को कतई न भूलें कि आपके लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन्स भी काफी जरूरी हैं। फैट के साथ बाकी चीजों का साथ आपको हेल्दी बनाए रख सकता है। और अंडरवेट लोगों में एक बड़ा कॉमन सा भ्रम है कि वेट बढ़ाना है तो जब मन में आए तब खाना चाहिए। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप कभी भी वजन बढ़ाने की प्लानिंग बेतरतीब तरीके से नहीं कर सकते। खाने और सोने का वक्त जरूर निश्चित करें। आप जब भी बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि सही समय पर सही खुराक लेना। अगर आप टाइम को फॉलो नहीं करेंगे तो परेशानी आएगी। और एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि आपको चाहे वजन बढ़ाना हो या कम करना हो, तरीका एक ही है, टाइम पर खाना और रूटीन को फॉलो करना। हाँ, वेट बढ़ाने के लिए बस थोड़ी सी कैलोरी की मात्रा आपको बढ़ानी होगी। और थोड़ा खाना आप बार बार कैसे खाएं, यह जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और हमें उम्मीद है कि आपको दुबले से फिट बनाने में हमारी सलाह काफी मददगार साबित होगी। और अगर इस संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।